कांग्रेस के हमारे साथी तो उन पंचतीर्थों को कभी जाके उनके दर्शन भी नहीं करे होंगे, क्योंकि केवल आप दिखावा करते हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो बाबा साहब के लिए समर्पित है, बाबा साहब के विचारों के लिए समर्पित है, इसीलिए बाबा साहब के पंचतीर्थों का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम। आजकल कांग्रेस के एक नेता हैं जो कभी अपनी जाति बताते हैं, कभी अब उन्हें गोत्र भी बताते हैं, और कभी वो अपना जनेऊ भी दिखाते हैं, लेकिन वो समय समय पर अपना चेहरा और अपनी बातें बदलते रहते हैं। एक बार वो जनेऊ दिखाते थे, जाति बताई, गोत्र बताया, लेकिन आजकल उनको ओबीसी याद आ रहा है। लेकिन ओबीसी के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है? नेहरू जी ने जिस जनगणना की वो बात आज कर रहे हैं, नेहरू जी के विचार क्या थे उस पर? नेहरू जी ने उसके बारे में कहा क्या था? कभी कम से कम उसको तो पढ़ लेते। नेहरू जी ने कहा था आजादी के बाद, नेहरू जी ने, नेहरू सरकार ने निर्णय लिया था कि ओबीसी की भारतीय सूची की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसी और ने नहीं किया था, ये देश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी का निर्णय है, ये किसी और का निर्णय नहीं है। आज आपको ओबीसी याद आ रहे हैं, आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, और ओबीसी की बात में भी ओबीसी की बात भी करना चाहते। तीन आयोग बने आजादी के बाद, तीन आयोग किसने बनाए? आपको किसने रोका था उन तीनों आयोगों की रिपोर्ट लागू करने से? क्या विचार थे आप?